साथ में घूमेंगे मथुरा वृंदावन पहुंच जाओ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री मां के बिहारी और ये YouTube पे पहली ऐसी ट्रिप है जिसका प्राइम पर्पस घूमना नहीं, हमारा प्राइम पर्पस है दोस्तों की शादी अटेंड करना। तो हम लोग करेंगे दोनों शादियां अटेंड और साथ में घूमेंगे मथुरा और लखनऊ। तो जो भी इम्पोर्टेंट जगह होगी जो हम विजिट करेंगे वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। परी चौक से उतर कर अब पहुंच गए मथुरा, शादी नंबर 1 का स्टॉप आ गया है। चलो भाई पहले ऑटो पकड़ते हैं। और भाई ऐसा कुछ है ऑटो स्टैंड आपके अलावा? नहीं, बुकिंग नहीं, हम तो खुद ही बजट में जाने की ट्राई कर रहे हैं। आप यहाँ से एक काम करो, वृंदावन पहुँच जाओ। हाँ, वृंदावन पहुँच जाओ, मायावती हॉस्पिटल, वहीं से अपना बिरला मंदिर, पागल बाबा मंदिर, बांके के बिहारी जी से उल्टे आ जाना। ठीक है, फिर निधिवन दर्शन करना पर, लेकिन यहाँ से इंटरलूप हटो। तो भाई यहाँ पे एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप आ रहे हो दिल्ली या गुड़गांव से तो आपको बस उतारेगी वो कट पर, और कट से जो भी आपको रिक्शा वगैरह मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाले हैं, अराउंड 300 से 400 रुपए वृंदावन के। तो बेस्ट ऑप्शन वही है, वहाँ से थोड़ा सा पैदल निकलो और सामने आपको ही रिक्शा वगैरह मिल जाएगा जो कि 30 रुपए प्रति सवारी लेते हैं। फ्री के होटल में एंट्री लेते हुए हमारे सस्ते शाहरुख खान। कितने लिए उसने? नब्बे सौ आपको लग गया भी? मेरे लगा दिया, धन्यवाद। राधे राधे। ये पहली झलक प्रेम मंदिर की, तो श्रद्धालुओं का उबार। गुरु श्री कृपाल जी महाराज के द्वारा प्रेम मंदिर का निर्माण है और ये जगत गुरु धाम, और ये जब प्रेम मंदिर की नींव रखी गई। मतलब मंदिर की लाइट इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है चेंज होने की, तो हर बार ऐसा लगता है कि अलग ही मंदिर में आ गए। और एरिया इतना ज्यादा है ना, तो इतनी ज्यादा भीड़ है तो भी ऐसा लग रहा है कि सफिशिएंट स्पेस है। सफिशिएंट स्पेस है, तो बहुत बढ़िया बना रखा है यार मंदिर, बहुत बढ़िया। फाइनली मंदिर के दर्शन, तो भाई हो गए मंदिर के दर्शन। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, ना ही फोटोग्राफी अलाउ थी। तो पहली ग्राउंड फ्लोर पर है राधा कृष्ण और फर्स्ट फ्लोर पर है राम सीता। तो विशाल प्रसाद भी लिया और ये इम्पोर्टेंट दर्शन। उतना ही रिलीजन को फॉलो करो जितना वो पॉजिटिविटी देता है आपको।
अगर रिलीजन में नेगेटिविटी आ रही है तो उसे दूर रखो। रिलीजन में कभी नेगेटिविटी नहीं आती, लोगों में आती है, तो उन लोगों से दूर रहिए कृपया करके जो रिलीजन में नेगेटिविटी फैला रहे। जय श्री कृष्ण। दर्शन के बाद हम निकलते हैं हमारे शादी के अटेंड करने, और ये है भीड़ मंदिर के बाहर। राधे राधे। मिलते हैं अब अगले दिन एक नई जगह पे और एक नए दिन में। तो यार राधे राधे। तो एज प्रॉमिस हम निकल गए हमारे दूसरे मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि है बांके बिहारी मंदिर। तो यहाँ से ई रिक्शा पकड़ेंगे मेन रोड से और पहुँचेंगे बांके बिहारी मंदिर। विशाल जस्ट आ रहा है। भाई मल्टीपल ऑटो पकड़ कर आ गए ठाकुर जी बांके बिहारी महाराज के पास। ट्रेन बंदले ले लिया है उसका जश्वा भाई 100 रुपए में। यही उतार दो भाई। फाइनली बांके बिहारी मंदिर। तो भाई फाइनली हो गए बांके बिहारी जी के दर्शन, और थोड़ा सा बाहर आकर यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम है, और ये है ऐसा सीन। और वहाँ पे बंदर फुल ट्रेंड थे भाई। तो भाई मंदिर में तगड़ी भीड़ थी एकदम। वही थोड़ा सा मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है, और अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो वो हो रहे थे 300 रुपए में। और मेन वही दिक्कत हुई सभी को कि अगर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी मैं तो अवॉइड ही करूंगा कि कुछ ऐसे माला वाला प्रसाद लेके आओ, क्योंकि अंदर सारा लोग फेंक ही रहे इधर उधर, कोई आप प्रॉपर मूर्ति तक पहुंच नहीं रहा। मूर्ति तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। अपनी विशाल भी माला लेके गया था, लेकिन कोई और लेके चला गया विशाल की माला। इतनी भीड़ है कि कोई किसी का कुछ छीन के लेके आके जा रहा है। अब वही थोड़ा सा यहाँ से 1 किलोमीटर ये निधिवन, तो निधिवन जा रहे हैं क्योंकि 12:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। और बांके बिहारी से अगर निधिवन की और ये पूरा रास्ता यमुना के तट पर ही है, तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, तो बस थोड़ा सा व्यूज का एंजॉय कर कर। अब पूरा किनारे किनारे ही चल रहे हैं हम, तो बहुत ही मस्त मौसम हो गया है। थोड़ी सी बारिश हुई है कल रात को भी और आज सुबह भी, इस कारण मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। और अगर बोट राइडिंग करनी है तो 150 मांग रहे हैं, फिर 100 में आ जाता है, फिर 50 में भी आ जाता है। भाई हमारा प्रसाद तो इन्होंने छीन लिया, तो प्रसाद हमारा हो चुका है डोनेट इनको। भाई बढ़िया से खा रहे हैं मस्ती से हमारा प्रसाद। और ऐसा कुछ है आरती घाट, ये कंप्लीट व्यू इस पूरे घाट का। Thank you.
थोड़ी सकरी सकरी गलियां हैं निधिवन जाते समय। ये निधिवन मंदिर की एंट्री है यहाँ से। ये बीच में मंदिर है, रास्ता यही कंटिन्यू रहेगा हमारा। वृंदावन की सिरप डलाना है तेरे, सिरप डलाना है तेरे। निधिवन से हम पैदल पैदल ही इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज गए, तो वो 4:30 खुलेगा, तो इससे बेटर है पैदल ही जाया जाए। विशाल काफी थक गया है, थक नहीं गया, गर्मी हो रही है। अंकल जी का भाई चश्मा भी ले गया और फ्रूटी भी ले गया, तो फ्रूटी का ट्रांजेक्शन काम नहीं आया अंकल के, इन अभी भी लगे पड़े हैं। बहुत ही बंदर है भाई, बहुत ही ज़्यादा बंदर है। भाई चश्मा लेके खड़ा है और नीचे चश्मा जिनका है वो खड़ा है। हाँ अरे भाई चश्मा काट भी, नीचे जनता खड़ी हो। भाई साहब का तो चश्मा नहीं मिला, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए इस्कॉन टेंपल, अभी के लिए बंद है, 3 बज गए, 1 घंटे बाद खुलेगा। और कुछ ऐसा है मंदिर बाहर से, और भक्ति में विलीन विशाल हमारे। तो भैया इस्कॉन मंदिर से हमारे होटल की तरफ जाते हुए ये थी हमारी सवारी, बाइक सवारी, थोड़ी सी किफ़ायती सवारी, 40 रुपये सवारी। तैयार होकर अब हम निकलेंगे हमारी शादी अटेंड करने के लिए, और आपको दिखाते हैं थोड़े शादी के क्लिप्स। तो भाई अब एक शादी निपटा कर अब जा रहे हैं दूसरी शादी निपटाने, तो उसके लिए पहले हम पकड़ेंगे मथुरा जंक्शन से ट्रेन लखनऊ के लिए। अब राधे राधे से हमारा टोन हो जाएगा। पहले आप पहले आप